दोस्तों, आज के इस दौर में भला मोटिवेशन की किसको जरूरत नहीं होती है। आप कोई काम आसानी से नहीं कर पाते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में निराश जरूर होता है। ऐसे में हम कुछ ऐसा पढ़ना, सुनना या देखना चाहते हैं जिससे हमें वापस हिम्मत मिल जाए। तो आइए आपको भगवत गीता में लिखा भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनाते हैं जो हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर परेशानी का हल मिल जाता है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता के उपदेश कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन बातों का अपने जीवन में अनुसरण कर लेता है वह हर काम में विजय हासिल कर सकता है। तो आइए जानते हैं गीता के अनमोल उपदेशों के बारे में। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी खराब हो वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। इसलिए मनुष्य को दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि जिंदगी में दो ही व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक तो वो जो मौका देते हैं और दूसरा वो जो धोखा देते हैं। ईश्वर कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं। वो व्यक्ति को केवल वही देता है जिसके वो लायक हैं। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद जरूर रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो पर ईश्वर आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। राधे राधे।